यार आपने ये बात तो कभी ना कभी फेस करी होगी कि जैसे हम कोई भी हार्ड काम, चाहे वो गेमिंग ले लो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग ले लो, चाहे वो कोई और सा काम हो, जब भी हम उसे अपने फोन में करने की कोशिश करते हैं, शुरुआती के 20 या 25 मिनट तो बिल्कुल आराम से गेम चलती है, लेकिन उसके बाद उसमें इतना ज्यादा लैग होने लगता है कि कहने की बात नहीं। और फ्रेम रेट का तो कुछ बोलो ही मत, मतलब कहां से कहां चला जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता। चलो आज इसका एक रियल रीजन पता करते हैं कि क्यों हमारे फोन में कोई भी काम 20 से 25 मिनट बाद इतना अच्छा नहीं हो पाता है, या हमारे फोन की परफॉर्मेंस क्यों 20 से 25 मिनट बाद कम हो जाती है। आज कोई इंट्रो नहीं, सीधा वीडियो में चलते हैं। तो अभी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। देखो अब इसे ऐसे समझो, आप कोई मशीन ले लो या कोई गाड़ी ले लो या अपन खुद लोग, जब हम लोग थोड़ा काम करते हैं या मशीन थोड़ा चलने लगती है तो उसमें ड्यू टू फ्रिक्शन थोड़ा हीट जनरेट हो जाता है। और वही सेम चीज़ हमारे बॉडी के साथ भी होती है, जैसे अपन लोग कोई वर्कआउट करें या कोई हैवी काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत ही ज़्यादा स्वेट होने लगता है। वही सेम चीज़ हमारे स्मार्टफोन्स या पीसी प्रोसेसर्स हर चीज़ों में होती है। अगर हम अपने फोन पे मान लो आप वीडियो गेम खेल या आपने एडिटिंग शुरू कर दी, तो उस टाइम पे हमारा जो प्रोसेसर एंड जो जीपीयू है, ये दोनों में बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है। और लोड करने के वजह से हमारे फोन में, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हमारे फोन पे लोड पड़ता है तो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो जब हीटिंग ज्यादा शुरू हो जाती है तो प्रोसेसर और जीपीयू दोनों के अंदर एक टेक्नोलॉजी लगाई जाती है जिसका नाम है थर्मल थ्रॉटलिंग। अब थर्मल थ्रॉटलिंग क्या करती है? थर्मल थ्रॉटलिंग को ये टैक्स दिया जाता है कि भाई जब भी प्रोसेसर या जीपीयू का टेम्परेचर जरूरत से ज़्यादा बढ़े, जिससे कि आपके पूरे फोन को या बैटरी या किसी भी पार्ट को नुकसान पहुंच सकता है, तो उस समय जीपीयू या प्रोसेसर तुम दोनों क्या करना, तुम लोग अपनी पावर्स को कम कर देना या अपने जो परफॉर्मेंस जो दे रहे हो डाउन कर लेना। जैसे अगर हमारा प्रोसेसर 20 कदम चल रहा था तो वो सिर्फ 10 ही कदम चलेगा, हमारा जीपीयू जहाँ हमें 60 FPS दे रहा था वो हमें 30 FPS ही देगा। तो इससे क्या होगा, जैसे अभी अपन लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, स्लो स्लो दौड़ने लगेंगे, थोड़ी हीट कम जनरेट होगी, थोड़ा कम थकेंगे। वही सेम चीज़ प्रोसेसर एंड जीपीयू में भी है, वो दोनों क्या करते हैं, अपना प्रोसेसिंग पावर है वो कम कर देते हैं। उससे क्या होता है, प्रोसेसर एंड जीपीयू दोनों में हीट कम हो जाती है और थर्मल थ्रॉटलिंग अपना काम कर लेती है। सो पूरा निष्कर्ष जो निकल कर आया कि थोड़ी गेम खेलने के बाद परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो जाती है या फ्रेम रेट्स क्यों नीचे गिर जाते हैं, उसका यही रीजन है। हमारे फोन से जो हीट निकलती है उसे बैलेंस करने के लिए थर्मल थ्रॉटलिंग का यूज किया जाता है। और थर्मल थ्रॉटलिंग वो चीज़ है जिससे आपका प्रोसेसर एंड जीपीयू परफॉर्मेंस बहुत ही लंबे समय तक चलता है, वरना इससे इतनी ज्यादा हीट निकलेगी ये तो जल ही जाएगा। और एक पॉइंट और, आपने कई गेमिंग फोन्स में देखा होगा कि भाई इसमें लिक्विड कूलिंग लगी हुई है, वो इसीलिए लगी होती है कि थर्मल थ्रॉटलिंग ना हो। मतलब अगर लिक्विड कूलिंग रहेगी तो फोन उतना ज्यादा गर्म होगा नहीं, तो वो एक कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल परफॉर्म करता रहेगा। इसलिए उन फोन्स में अलग से लिक्विड कूलिंग दिया जाता है और इसीलिए वो थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो वेल बस इतना ही ज्ञान था इस वीडियो में। और अगर आपको फिर भी इतने तपती गर्मी में भी एकदम धक्काड़ के गेम खेलना है तो एक ही उपाय है, या तो फ्रिज के अंदर घुस जाओ या तो एसी के अंदर घुस जाओ। कोई सेंसेस बात नहीं। अब चैनल पे आ तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक किए बिना तो जाना ही नहीं, और शेयर जरूर कर देना जिस भी फ्रेंड को आप थोड़ा ज्ञान देना चाहते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।